गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन टू। कल की वीडियो में अपन ने वर्ण वर्ण की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज अपन उनके क्वेश्चन आंसरों के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले आता है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण अंग अह और अह, अंग अह और अह। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? थ्री। कौन कौन से? अंग अह और अह। संयुक्त वर्ण, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? संयुक्त वर्ण है छ, त्र, ग, स्र। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ग, स्र। फिर है फोर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? फोर क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। स्वर 11। स्वर कितने होते हैं? 11। ऐसे आउ तक, ऐसे आउ तक। व्यंजन होते हैं 33। कैसे है तक, व्यंजन कितने होते हैं? 33। कैसे है तक। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, 6, 3, ग, स्र। अयोगवाह 2, अंग अह। उच्चिप्त वर्ण ड, डह। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह अंग अह, अंग ए ह। संयुक्त वर्ण कौन से हैं? छ, त्र, ग, स्र। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अयोगवाह 2, उच्चिप्त वर्ण 2। इसको फिर नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।